हेलो स्टूडेंट्स, मौजबी एंड क्लैक सीरीज क्वेश्चन नंबर 127 सब्जेक्ट साइकेट्री एंड एडिशन 19। जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ए चाइल्ड विद एडीएचडी, एडीएचडी का चाइल्ड है, बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड लॉसेस कंट्रोल। दो चीज ध्यान दें, बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड लॉसेस कंट्रोल, कंट्रोल खो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है। द नर्स शुड यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू मैनेज डिसरप्टिव बिहेवियर। नर्स ने बहुत सारी वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज की हैं इस कंट्रोल जो लॉस कर रहा है वो, इस बिहेवियर को मैनेज करने के लिए। लिस्ट द नंबर ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन, ध्यान से सुनिएगा, इसे बोलते हैं मौजबी का हाई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, आराम से पढ़िएगा। यहां से देखते हैं दोबारा, लिस्ट द नंबर्स ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन। इन चारों में से नंबर्स ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन को लिस्ट करना है, लिस्ट बनानी है क्रमबद्ध रूप से, इन ऑर्डर फ्रॉम द, यहां से हिंट देखिएगा, इन ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट इन्वेजिव टेक्निक, लीस्ट इन्वेजिव टेक्निक टू द मोस्ट इन्वेजिव टेक्निक। ये जो चार इंटरवेंशन लिखे हुए हैं आपके सामने, इनमें से सबसे कम इन्वेजिव जो टेक्निक है, इन्वेजिव मतलब जो मे बी डेंजर नहीं है, सबसे कम वाली, उसको सबसे पहले रखना है। लीस्ट इन्वेजिव टेक्निक से मोस्ट इन्वेजिव टेक्निक की तरफ क्रमबद्ध रूप से आपको जमाना है। ऑप्शंस की हिंदी नहीं बताऊंगा मैं आपको, हिंट आसानी से मिल सकती है, इजी क्वेश्चन है, आपको खुद सोचना है। प्लेस द चाइल्ड इन टाइम आउट, मॉनिटर बिहेवियर फॉर क्यूज ऑफ राइजिंग एंजाइटी, यूज ए सिग्नल टू रिमाइंड द चाइल्ड टू यूज अ सेल्फ कंट्रोल, अवॉइड सिचुएशंस दैट यूजुअली प्रिसिपिटेट फ्रस्ट्रेशन। पूरा टाइम दूंगा, कम से कम 30 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लीस्ट इन्वेजिव टेक्निक से मोस्ट इन्वेजिव टेक्निक के रूप में चारों को क्रम से जमाना है, जैसे कि 2 3 4 1 1 2 4 3 4 3 2 1, इस तरीके से चारों, मतलब सबसे पहले सबसे कम इन्वेजिव टेक्निक को आपको लिस्ट करना है। स्टार्ट करें नाउ। सभी लोग आंसर दें जो भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरी अप, जल्दी कीजिए, सबसे पहले सबसे कम इन्वेजिव टेक्निक, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, और लास्ट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्वेजिव टेक्निक को आपको लिस्ट करना है। स्टार्ट कर रहे हैं अब, अभी भी आप आंसर लगा सकते हैं, मैं इनका मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। प्लेस द चाइल्ड इन टाइम आउट, चाइल्ड को प्लेस करेंगे, एडीएचडी वाला बच्चा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल कर रहा है, चाइल्ड को प्लेस करेंगे टाइम आउट में। टाइम आउट क्या होता है, टाइम आउट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको एक वीडियो गेम पसंद है और बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, और आपका इंटरेस्टिंग अटेंशन गेम में है, वीडियो गेम में, आप चाहते हैं दिन में 2 घंटे आप वीडियो गेम खेलें। सपोज उस बच्चे को ADHD है और मैं उसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये बिहेवियर कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने ये बिहेवियर कंट्रोल नहीं किया तो आपको वीडियो गेम नहीं मिलेगा, दैट इज टाइम आउट। टाइम आउट की मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी रिमूवल, स्ट्रेटजी रिमूवल, मतलब जो भी स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं, जो उसकी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है, उसको रिमूव कर देते हैं। बच्चे की जो इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है जिसमें वो अटेंशन लेता है, उसे हम रिमूव कर देते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, टाइम आउट्स, टाइम आउट्स फॉर टोडलर्स, 1 से 3 साल के बच्चों पे भी हम ये आजमाते हैं। आगे चलते हैं, मॉनिटर बिहेवियर फॉर क्यूज ऑफ राइजिंग एंजाइटी। राइजिंग एंजाइटी जो चीज उसकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रही है, उसके क्यू को मॉनिटर करेंगे, असेस करेंगे। Use a signal to remind the child to use self-control. ये भी समझना होगा आपको, self-control करने के लिए, कि बच्चा self-control use करे, उसके लिए signal, कुछ signal remind करवाएंगे, इसका मतलब समझिए।
सपोज कीजिए बच्चा अबनॉर्मल बार बार वो डिसरप्टिव बिहेवियर दिखा रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल कर रहा है, चीज़ें उठा के फेंक रहा है, इधर उधर तोड़फोड़ कर रहा है, और ADHD का है तो हाइपर एक्टिविटी है और बात नहीं मान रहा है। आपने कुछ अपने वर्ड्स, कुछ आई जेस्चर, कुछ आई टू आई कॉन्टैक्ट ऐसे सिग्नल बना रखे हैं कि जैसे सपोज कीजिए वो चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है और आपने आवाज़ लगाई हेलो इधर देखो और गुस्से से आंखें दिखाई, तो ये जो आई सिग्नल है आपका उससे बच्चा समझ गया कि उसे क्या करना है, अब सेल्फ कंट्रोल करना है। तो ये उसकी बात हो रही है कि यूज अ सिग्नल टू रिमाइंड द चाइल्ड टू यूज सेल्फ कंट्रोल। और लास्ट है सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे जो कि प्रिसिपिटेट करती हैं फ्रस्ट्रेशन में, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे बच्चे को जो फ्रस्ट्रेशन में प्रिसिपिटेट करती हैं। अब आपको मैं फिर से 15 सेकंड दे रहा हूं और आप फिर से क्रम में जगाएं, सबसे कम लीस्ट इन्वेजिव चीज को सबसे पहले रखना है और सबसे मोस्ट इन्वेजिव टेक्निक जो है बच्चे के लिए उसको सबसे लास्ट में रखना है। स्टार्ट करें 15 सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंसर आएगा आपका वन नंबर पे ये। सबसे पहले उन सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे जो फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस कॉज करती हैं बच्चे को, तो अपन उनको दूर करेंगे। सबसे लीस्ट इन्वेजिव है, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा भी और इम्पल्सिव नहीं होगा, तो अवॉइड सिचुएशंस को अवॉइड कर देंगे जो उसको डेंजर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं। तो सबसे पहले हो गया आंसर अपना क्या, वन नंबर पे ही आएगा तो आंसर क्या हो गया, नंबर 4। फिर आएगा दूसरे नंबर पे जो एंजाइटी चीज़ें बढ़ाती हैं उनको असेस करेंगे, यानी बच्चे को इधर देखो क्या लिख रहा है, ADHD का बच्चा फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी से हो रही है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, कंट्रोल को खो रहा है। यानी फिर आएगा दूसरे नंबर पे दूसरा ऑप्शन, यानी कि उन चीज़ों को असेस करेंगे, उस बिहेवियर को असेस करेंगे जो उसमें एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को राइज करता है, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या आएगा, नंबर 2। अब असेस कर लिया, ऐसी चीज़ों को असेस कर लिया जो एंजाइटी बढ़ा रही हैं, तो अब क्या करेंगे, उसका इलाज करेंगे, उसका इलाज करेंगे। इलाज मतलब अब बच्चा जैसे ही एंजाइटी बढ़ेगी क्या दिखाएगा, लॉसेस कंट्रोल, चीज़ों को तोड़ेगा फोड़ेगा, हाइपर एक्टिविटी दिखाएगा, यानी तब हम बच्चे को सेल्फ कंट्रोल के लिए सिग्नल देंगे। जैसा कि मैंने हिंट बताई थी, कुछ ऐसे वर्ड शाउट कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, स्टॉप, डोंट डू इट, आंखों के जेस्चर दिखा सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, ऐसे सिग्नल हम देंगे। यानी तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नंबर 3। और लास्ट में जब कोई सॉल्यूशन नहीं बचेगा तो टाइम आउट टेक्निक यूज़ करेंगे, जिस वजह से जो बच्चे की फेवरेट चीज़ है, सपोज उसे वीडियो गेम अच्छा लगता है, सपोज उसे साइकिल चलाना अच्छा लगता है, सपोज उसे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, जो भी उसका फेवरेट टॉय है उसे दूर कर देंगे उससे कि अब आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, अब आपको ये चीज़ जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं करोगे। यानी फास्टली मोस्ट इन्वेजिव टेक्निक कौन सी हुई, प्लेस द चाइल्ड इन टाइम आउट। तो नंबर 4 पे ये आएगा, कौन सा नंबर आएगा, नंबर 1। तो ये हो गया नंबर 1, यानी मॉसबी के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, मॉसबी के अकॉर्डिंग आंसर है 4, 2, 3, 1। द राइट आंसर इज, मॉसबी के अकॉर्डिंग राइट आंसर है 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 and 1, दैट इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। नर्सिस केयरिंग फॉर अ एडोलसेंट डायग्नोसिस विद एडोलसेंस, एडोलसेंस 12 से 18 साल की एज का बच्चा है, उसके साथ नर्स केयर हो रही है, कंडक्ट डिसऑर्डर की डायग्नोसिस है, कंडक्ट डिसऑर्डर एंड हु इज रिसीविंग, और वो बच्चा क्या कर रहा है, रिसीविंग बिहेवियरल थेरेपी, उसकी कौन सी थेरेपी चल रही है, बिहेवियरल थेरेपी, टू अटेम्प्ट टू लिमिट एक्टिविटीज़, ताकि वो बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट कर सके, वायोलेट सोसाइटल नॉर्म्स, ताकि वो बच्चा सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको वायोलेट ना करे, उनका हनन ना करे, उनको नष्ट ना करे, स्पेसिफिक आउटकम क्राइटेरिया। ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है कि वो क्या पूछ रहे हैं, आउटकम क्राइटेरिया, स्पेसिफिक आउटकम क्राइटेरिया, यूनिक फॉर एडोलसेंट, इस बच्चे के लिए इस प्रॉब्लम के साथ, ध्यान दें लास्ट लाइन में ही हिंट होती है हमेशा, इस प्रॉब्लम के साथ, कौन सी प्रॉब्लम के साथ, कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ, एडोलसेंस बच्चे के लिए कौन सा स्पेसिफिक आउटकम क्राइटेरिया इन चारों में से होगा, एक बार इसका मीनिंग समझा देता हूँ।
आउटकम क्राइटेरिया का मतलब समझते हैं आप। जब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते थे कॉलेज में, तो आप याद कीजिए, हम डायग्नोसिस लिखते थे, असेसमेंट लिखते थे, और फिर लिखते थे आउटकम कि फ्यूचर में इसका आउटकम क्या आएगा नर्सिंग केयर इम्प्लीमेंटेशन देने के बाद। उसमें इवेल्यूएशन करके भी लिख सकते थे हम। तो ये प्री प्लानिंग फेज में होता है कि आउटकम क्या आएगा। तो आउटकम क्या आएगा एडोलसेंस के लिए कंडक्ट डिसऑर्डर में, देखते हैं। आइए, एग्जिबिट इंक्रीज इम्पल्स कंट्रोल, कहने का मतलब वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल पूछा है आपसे, गोल नर्सिंग केयर प्लान का, उसी को आउटकम बोलते हैं। तो एग्जिबिट इंक्रीज इम्पल्स कंट्रोल, आइडेंटिफाई टू पर्सनल एट्रीब्यूट्स, डेमोन्स्ट्रेट रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स, यूज एज अप्रोप्रिएट प्ले एक्टिविटीज विद एटलीस्ट वन पीयर। सोच लीजिए, इसमें भी मैं आपको 30 सेकंड दूंगा क्योंकि ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, बड़ा सिंपल है। एग्जिबिट इंक्रीज्ड इंपल्स कंट्रोल, इंक्रीज्ड इंपल्स कंट्रोल वो एग्जिबिट करने लग जाएगा। ये तो गोल तो है, पर ये कैसा गोल है? शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है। किस चीज़ के लिए? एडीएचडी वाले बच्चे के लिए, एडीएचडी वाले बच्चे के लिए, कि वो अपनी इम्पल्स कंट्रोल को जो इंक्रीज हो रही है उसे एग्जिबिट करे। Identify two personal attributes, दो personal attributes, attributes क्या होते हैं? जो उसने अपनी लाइफ में कुछ योगदान किया है, कुछ अचीव किया है, कुछ हासिल किया है, वो आइडेंटिफाई करें, वो पहचाने। ध्यान दें, दो personal attributes वो पहचाने, खुद रियलाइज करें अपने लिए, ऐसा हम आउटकम गोल बनाएंगे। देखिए, ये भी गोल तो है, शॉर्ट टर्म गोल तो है, लेकिन ये किस चीज़ के लिए है? लो सेल्फ एस्टीम। किसी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है। मान लीजिए कोई डिप्रेशन वाला क्लाइंट है, कोई लो सेल्फ एस्टीम वाला बच्चा है, या जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, उसी को तो ये रियलाइज करवाओगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या एट्रीब्यूट्स किए हैं, क्या हासिल किए हैं, क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। तो ये गोल तो है, लेकिन ये कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए नहीं है। ये किस चीज़ के लिए हो सकता है? लो सेल्फ एस्टीम के लिए हो सकता है। ऊपर वाला इंपल्स कंट्रोल वाला किस चीज़ के लिए हो सकता है? एडीएचडी के लिए हो सकता है। अब चलते हैं चौथे पर, क्योंकि थर्ड इज द राइट आंसर। यूज एज अप्रोप्रिएट प्ले एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी अप्रोप्रिएटली, उम्र के अकॉर्डिंग, एज अप्रोप्रिएट, उम्र के अकॉर्डिंग प्ले एक्टिविटी वो बच्चा यूज करे, विद एटलीस्ट वन पीयर, कम से कम अपने एक दोस्त के साथ, एक फ्रेंड के साथ, वो अपनी हम उम्र के लोगों के साथ प्ले एक्टिविटी खेले, ऐसा हम कंडक्ट डिसऑर्डर में बनाएंगे। क्या ये सही बात है? ये भी शॉर्ट टर्म गोल तो है, शॉर्ट टर्म गोल तो है, लेकिन किस डिजी किस प्रॉब्लम के लिए हो सकता है? लो सोशल इंटरेक्शन। समझ गए होगे आप, जो बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करता, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, ज़्यादा पीयर ग्रुप नहीं बनाता, उसके लिए हम ये प्ले एक्टिविटी उसी के हम उम्र दोस्तों के साथ बना सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, ऐसा हम आउटकम गोल बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पे, कंडक्ट डिसऑर्डर, वायोलेशन ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के मूलभूत अधिकारों को नष्ट करने वाले डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? कंडक्ट डिसऑर्डर। और उसके लिए तो ये ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि वो हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि इस प्लान को रिसीव करने के बाद, इस थेरेपी जो बिहेवियरल थेरेपी चल रही है इसको भी लेने के बाद, डेमोन्स्ट्रेट करे, रेस्पेक्ट दिखाए। किसके लिए रेस्पेक्ट दिखाए? राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए, दूसरों के अधिकारों के लिए रेस्पेक्ट करे। दैट इज द राइट आंसर, आंसर इज सी। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, कोई मीनिंग नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है गाइड का, और मौजवी में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ए चाइल्ड विद डायग्नोसिस ऑफ टोरेट सिंड्रोम, टोरेट सिंड्रोम, शोइंग मोटर टिक्स एज वेल एज वोकल अटरेंस, अटरेंस वर्ड पे फोकस करें, मोटर टिक्स एंड वोकल अटरेंस, दिस बिहेवियर इज नोन एज, वेरी सिंपल,
पालीलेलिया, कॉप्रोलेलिया, इकोकाइनेसिस एंड एवोराफोबिया, ओनली 15 सेकेंड, 10 सेकेंड ओनली, स्टार्ट। मोटर टिक्स एंड वोकल अटरेंस, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे हटा देते हैं, एगोराफोबिया। फोबिया इज अ स्पेसिफिक फियर ड्यू टू एनी सिचुएशन और स्टिमुलाई, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। इकोकाइनेसिस, इकोकाइनेसिस दूसरे के द्वारा की हुई एक्टिविटी को एज इट इज इमिटेट करना है। आपने इको ले लिया, इकोप्रेक्सिया सुना होगा, ये इकोप्रेक्सिया ही है इकोकाइनेसिस, तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो टॉरेट सिंड्रोम है और वो बार बार मोटर टिक्स कर रहा है और वोकल अटरेंस कर रहा है। वोकल अटरेंस, अटरेंस का मतलब क्या होता है, गाली गलौज करना, अब्यूज करना, तो वो गाली बक रहा है, बार बार गाली दे रहा है। तो पालीलेलिया का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ ओल्ड ओन वर्ड, रिपीटेशन ऑफ ओन लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड बार बार सेंटेंस के आखिरी शब्द को, बार बार खुद के शब्द को ही रिपीट करने को पालीलेलिया बोलते हैं। जैसे आज मैं उससे मिला, आज मैं खाना खाऊंगा, आज मैं वहां जाऊंगा, तो दैट इज पालीलेलिया, दैट इज नॉट द राइट आंसर। गाली बकना बार बार, वोकल अटरेंस करना, मोटोटिक करना, कॉपरो, वैसे भी कॉपरो वर्ड आपने कहाँ सुना है, आपने सुना होगा एन्यूरेसिस एंड कॉपरेसिस, कॉपरेसिस वर्ड फीसेज, स्टूल, अब्यूज, इनके लिए यूज करते हैं। तो कॉपरो ले लिया मतलब रिपीटेशन ऑफ वोकल अटरेंस, और अटरेंस में भी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना, दैट इज द राइट आंसर, कॉपरो ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। व्हेन कंडक्टिंग ए एमएमएसई, एमएमएसई मतलब मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑन अ क्लाइंट, द नर्स शुड टेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी, नर्स शुड टेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी चेक करने के लिए बाई आस्किंग द क्लाइंट टू, क्लाइंट से क्या आस्क कर रहे हैं नर्स शॉर्ट टर्म मेमोरी को चेक करने के लिए, वाइल टेकिंग द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। सब्सट्रैक्ट सीरियल 7S फ्रॉम 100, कॉपी ए सिंपल जियोमेट्रिक फिगर, स्टेट 3 रैंडम वर्ड्स मेंशनड अर्लियर इन द एग्जाम, नेम 2 कॉमन ऑब्जेक्ट्स व्हेन द नर्स पॉइंट्स टू देम। सोच लीजिए, 15 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शॉर्ट टर्म मेमोरी को चेक करने के लिए नर्स क्या आस्क करेंगे क्लाइंट से, सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल, कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं। सब्स्ट्रैक्ट घटाना, 107 क्या चेक कर रहे हैं इससे, मेमोरी चेक कर रहे हैं क्या, कॉग्निटिव लेवल चेक कर रहे हैं, जोड़ गुणा भाग, कॉग्निटिव लेवल। कॉपी ए सिंपल जियोमेट्रिक फिगर, वहाँ एक कोई हमने डायग्राम बना रखा है और हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि उसे कॉपी करो, उतारो, देख के बनाओ। देख के बनाओ का मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं, किस चीज के लिए, विजुअल टेस्ट। नेम 2 कॉमन ऑब्जेक्ट्स, 2 कॉमन ऑब्जेक्ट्स के नाम बोल के बताओ, व्हेन द नर्स पॉइंट टू देम, जब नर्स उन्हें पॉइंट करे, मतलब जैसे सपोज मैंने उधर इशारा किया कि बोल के बताओ वो क्या चीज है, ट्यूबलाइट है, फैन है, तो बोल के बताओ, बोल के बताओ मतलब वो कौन सा टेस्ट चेक कर रहे हैं, क्या ये मेमोरी से रिलेटेड है, वर्बल कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, वर्बल टेस्ट, जो बचा वो आंसर है। सो स्टेट 3 रैंडम वर्ड्स जो पहले किसी एग्जाम में यूज किए हैं, मेंशन किए हैं, उन शब्दों को रैंडमली आपको याद करके बताना है, तो किससे रिलेटेड है याद करके बताना है, तो मेमोरी से, शॉर्ट टर्म मेमोरी से, के पुराना कोई एग्जाम यूज, जो आपने वर्ड्स यूज किए हैं वो बताना है। सिंपल इज दैट, दैट ऑप्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मेमोरी, राइट आंसर इज सी। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मैंने बाकी तीनों भी बता दिए कि इसमें कॉग्निटिव लेवल चेक हो रहा है, इसमें वो देख के कॉपी करना है तो विजुअल, और इसमें बोल के 2 नाम बताने हैं जो नर्स बोलेंगे वर्ड, यानी वर्बल टेस्ट, तो दैट इज द राइट आंसर। सो ये थे आज के क्वेश्चन, और एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूंगा कि बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव।
बिकॉज थिंकिंग इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, ऐसा गौतम बुद्ध जी ने कहा है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। सो बी पॉजिटिव एंड बी थिंक। गुड लक, हैव अ नाइस डे।